वंस अगेन टू माई चैनल रोबस्ट बाजार। आज हम ऐसे तीन स्टॉक्स के ऊपर चर्चा करेंगे जिसमें या तो बहुत ज़्यादा उछाल आ सकती है या तो बहुत ज़्यादा गिरावट आ सकती है। तो ऐसे कौन से तीन स्टॉक्स हैं, हम बिना कोई देरी के इनके सीधे चार्ट पे चलते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू टू सब्सक्राइब माई चैनल, आई एम नॉट फोर्सिंग यू। तो सबसे पहले स्टॉक हमारे रडार पे है परसिस्टेंट। अब परसिस्टेंट में आप देख सकते हैं पिछले 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक में काफ़ी लंबी उछाल देखी गई और काफ़ी अच्छी मोमेंटम जारी थी। अब इस स्टॉक ने 2 कैप छोड़े हुए हैं, तो जिस कैप के बारे में हम चर्चा करेंगे आज, इसने अपने जो एक कैप छोड़ा हुआ है 3300 से लेके 33 समथिंग अराउंड, आप यहाँ पे एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूँ, 3312 से लेके 3347 के आसपास का, फिर उसके नीचे एक और गैप बना हुआ है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एग्जैक्टली 3212 से लेके ऑलमोस्ट यहाँ पे 3241। तो इसने 2 गैप्स छोड़े हुए हैं, तो मे भी ऐसा लगता है कि ये स्टॉक काफ़ी ज़ोर से गिरने वाला है और काफ़ी ज़्यादा इसमें एक डाउनसाइड की मोमेंटम बन सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक काफ़ी नीचे गिर सकता है। ये स्टॉक की जो क्लोजिंग हुई है ऑलमोस्ट आप जान सकते हैं, इसकी जो क्लोजिंग हुई है 3541 के आसपास, 3541 के आसपास। तो इस स्टॉक में जो मेरे डाउनसाइड के जो टारगेट्स बनते हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ तक के बनते हैं 3205 रुपये के आसपास के, या उसके पहले अगर हम लें तो 3220 तक के इसमें डाउनसाइड टारगेट देखे जा सकते हैं। तो इस स्टॉक को आपको नज़र में रखना, अगर ये स्टॉक आपके पास है तो इसमें आप प्रॉफिट बुकिंग करके बाहर हो सकते हैं, क्योंकि इसमें एक बड़ी गिरावट अचानक से आ सकती है। तो ये था सबसे पहला स्टॉक परसिस्टेंट। सेकेंड स्टॉक जो हमारे रडार पे है वो है हॉल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब इस स्टॉक में आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा पैटर्न क्रिएट हो रहा था, यहाँ पे डाउनसाइड के बाद एक अपसाइड बनने की तैयारी बन रही थी। यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पे स्टॉक ऊपर निकलेगा, लेकिन उसी रेजिस्टेंस जोन को सपोर्ट करते हुए स्टॉक में अब डाउनसाइड का एक मोमेंटम जारी हो चुका है। अब इस स्टॉक में जो डाउनसाइड के टारगेट निकल रहे हैं वो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो 2280 रुपये के आसपास के इसके डाउनसाइड के टारगेट निकल रहे हैं। अब यहाँ पर जो स्टॉक की क्लोजिंग हुई है 2364, इट मीन्स यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2280 के जो टारगेट हैं ऑलमोस्ट यहाँ से 80 पॉइंट्स का आपको डाउनसाइड का एक टारगेट देखने मिल सकता है। इस स्टॉक में अगर कोई भी स्टॉप लॉस लेके चलना चाहते हैं तो 2400 का एक स्टॉप लॉस भी लिया जा सकता है। अगर आप इसके पहले एक स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं 2380 का भी एक स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ 2380 का भी एक स्टॉप लॉस लेके आप 2280 तक के डाउनसाइड के टारगेट के लिए कल के दिन यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में। स्टॉक हमारे जो रडार पे आ रहा है वो है टाइटन। टाइटन में आप देख सकते हैं एक लंबे कैप के साथ एक गैप अप ओपनिंग हुई थी, फिर स्टॉक में थोड़ी सी मोमेंटम जारी हुई, स्टॉक फिर उसके बाद नीचे गिरने लग गया है। तो एक एक्सपेक्टेशन के हिसाब से यहाँ पे एक गैप फिल करने के लिए स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे एक ऑप्शंस के साथ भी आप ट्रेड कर सकते हैं, 2600 का एक पुट ले सकते हैं जिसकी वैल्यू चल रही है 53 रुपीज़। इसमें नेक्स्ट टारगेट हमारे 68 रुपीज़ के जाते हुए दिखाई दे सकते हैं और इस ऑप्शंस में आपको 43 का एक स्टॉप लॉस रखना है। और टाइटन में अगर आप इंट्राडे ट्रेड के हिसाब से भी ले सकते हैं तो यहाँ पे आप कल के दिन 2600 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पे आप इंट्राडे ट्रेड भी ले सकते हैं अगर आप एक इक्विटी ट्रेडर हैं। अगर ऑप्शन में लेना है तो ऑप्शन में 2600 का पुट लिया जा सकता है 53 की जिसकी वैल्यू है, और जैसे कि मैंने आपको बताया 43 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और नेक्स्ट टारगेट 68। तो आप ऑप्शंस के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। ये सारे कॉल्स एक एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस लें। थैंक यू सो मच।